सरकारी नौकरियों की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संचित और आपका gvtjob.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम आपके लिए हर रोज नई जॉब रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं जिसमें हम आपको आई हुई सभी नौकरियों की जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लेकर आए हैं पब्लिक सर्विस कमीशन में निकली हुई भर्ती के बारे में। लोक सेवा आयोग ने हाल ही में ही भर्ती जारी की है और जूनियर इंजीनियर सिविल के पोस्ट के लिए भर्ती हो रही है, और इतना अगर अरुणाचल प्रदेश में, तो हमारे जो भी उम्मीदवार अरुणाचल प्रदेश से इटनागर में जॉब पाना चाहते हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। बाहर के स्टेट्स के उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन अरुणाचल प्रदेश के द्वारा भर्ती हो रही है, जूनियर इंजीनियर सिविल के पोस्ट के लिए भर्ती हो रही है, और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो आपको मिनिमम बैचलर्स डिग्री तथा डिप्लोमा इन रिलेवेंट इंजीनियरिंग और इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास होना जरूरी है। एज लिमिट 18 से 30 साल है और एज रिलैक्सेशन यहाँ पर अप्लीकेबल है, तो आपको आपके एज में रिलैक्सेशन मिल सकती है। सिलेक्शन प्रोसीजर रिटर्न टेस्ट, वाइवा वॉइस टेस्ट और इंटरव्यू के द्वारा होने वाली है। एप्लीकेशन फ़ी आपको यहाँ पर भरनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फ़ी है 100 रुपीज़ और APSC आंध्र प्रदेश ST कैंडिडेट्स हैव टू पे 100 रुपीज़ एंड 160 रुपीज़ फॉर नॉन NPST कैंडिडेट्स। यानी जनरल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी है 160 रुपीज़ और ST कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी है 100 रुपीज़। पे स्केल आपको यहाँ पर मिल सकता है 9,300 से 34,800 पर मंथ, और ग्रेड पे है 4,200। तो इस तरीके से एप्लीकेशन फ़ी आपको भरनी पड़ेगी और पेमेंट आपको अच्छा खासा यहाँ पर मिल रहा है। अधिकतम 34,800 तक पेमेंट मिल सकता है और ग्रेड पे 4,200 है। यदि आपको पोस्ट का नाम जान लेना है तो वापस एक बार आपके लिए बता देते हैं, जूनियर सिविल इंजीनियर पोस्ट है, इतना अगर अरुणाचल प्रदेश में भर्ती हो रही है, और लास्ट डेट इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए है 20 अप्रैल 2018। तो आप देख सकते हो आपके पास बहुत कम टाइम रह गया है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, और जो एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है PDF में हम देख लेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है और 20 अप्रैल तक आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी उम्मीदवार अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तुरंत अप्लाई करें। ऐसे ही जॉब्स की जानकारी यदि आपको और पाते रहना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो अब हम देखेंगे PDF में क्या जानकारी मिल रही है। तो जैसे आप इस क्लिक हियर पे क्लिक करोगे PDF ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पर देख सकते हो नंबर ऑफ पोस्ट फॉर APST कितने हैं, और पूरी जो डिस्ट्रीब्यूशन है पोस्ट का वो यहाँ पर आपको बताया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मेथड ऑफ सिलेक्शन बताया गया है, पेपर्स कैसे होंगे, पेपर पैटर्न किस प्रकार है, ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, ऐसी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है जिससे आपको अप्लाई करने में दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से भर्ती हो रही है और अभी अभी इसकी जानकारी मिली है हमें इस जॉब की। कंपलसरी पेपर्स क्या है उनकी जानकारी भी आपको यहाँ पर मिल रही है, फ़ी कितनी है, जो इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस तरीके से आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो, बहुत अच्छी वैकेंसी है। और अब हम देखेंगे अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करेंगे, जैसे आप इस अप्लाई हियर पे क्लिक करोगे जो ऑफिशियल वेबसाइट है ओपन हो जाएगी और आप यहाँ पर आकर अप्लाई कर सकते हो। सिलेबस की भी जानकारी आपको इस लिंक के द्वारा मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों लिंक्स मिल जाएंगे, PDF की भी और एप्लीकेशन की भी। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे, gvtjob.com के ऑफिशियल वेबसाइट जो हमारी है उसकी, और इस पर आकर आप ये जो दोनों लिंक्स हैं एक्सेस कर जानकारी प्राप्त कर अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और जॉब्स पा सकते हो। ऐसे जॉब्स की जानकारी आपको और पाते रहना है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। यदि आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो ही आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आएंगे, वरना आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।